आइशर मोटर्स और टीवीएस मोटर्स लेके आई है। टीवीएस मोटर्स ने बीएमडब्ल्यू के साथ एक जॉइंट वेंचर में बाइक्स बनाने का काम किया हुआ है, सब जानते हैं। लेकिन ये जो जेवीएस के हेड जो हैं, जो ऑफ कोर्स विदेशी हैं बीएमडब्ल्यू की तरफ से, उन्होंने कमेंट्री दी है कि हम आइशर मोटर्स की जो कैटेगरी है 250 सीसी 500 सीसी वाली जो कैटेगरी है, बड़ी बाइक्स की सीसी की जो कैटेगरी है, उसमें काफ़ी तेज़ी से घुसना चाहते हैं। अभी तक आपको बता दूं कि आइशर मोटर्स वो हैवी बाइक्स की जो कैटेगरी है उसमें 87% मार्केट शेयर है उनका, ऑलमोस्ट 90%, मतलब मोनोपोली है। अगर टीवीएस मोटर्स उसमें घुसने लगता है क्या इम्पैक्ट होगा? पहले टीवीएस मोटर्स पे चार्ट चेक ले लेते हैं, उसके बाद अभिषेक से ये डिस्कस करेंगे। प्रशांत, टीवीएस मोटर्स एक बार को 1040-1100 के भाव से करेक्ट होकर 1000 के नीचे आ रहा है, क्या ये अच्छा एंट्री पॉइंट है टीवीएस मोटर्स में? सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग और मजबूत स्टॉक है ये टू व्हीलर्स का। डॉक्टर साहब एक साल का चार्ट लेके आइए, प्रशांत से डिस्कस करते हैं। जी अजय जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को आप ऐड करना शुरू कर सकते हो। मैं शुरू इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी क्वांटिटी अभी मत लीजिए, हो सकता है एक बार आपको ये करीबन इसका जो लो बना था यानी 985 वो एक बार रिटेस्ट होके 980-985 के जोन में भी मिल जाए तो ये इन्वेस्टर लेवल के लिए बहुत अच्छा, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा लेवल है बाय करने के लिए। आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 960 क्लोजिंग बेसिस, 960 के नीचे क्लोज हो तो आपको एग्जिट करना होगा। ट्रेडर्स कहाँ पे एंटर करें या शॉर्ट टर्म जो मूव देखना चाहते हैं वो कहाँ पे एंटर करें, तो 1025 के ऊपर 1025 के ऊपर आप एंटर करो, आपका स्टॉप लॉस होगा 995, यानी आपकी रिस्क करीबन 2% की होती है और आप वहां से टारगेट स्ट्रेट रख सकते हो 1065 का। तो 1065 और 20 पॉइंट की रिस्क, 40 पॉइंट का रिवॉर्ड, 1:2 आपकी ट्रेड बनेगी। तो दोनों ही तरीकों से इन्वेस्टर या ट्रेडर इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडर्स को अभी थोड़ा रुकना होगा, एक स्टॉक जब गिर रहा है तो उसमें आप काउंटर बेट मत कीजिए, एक बार उसको ऊपर आने दीजिए, 1025 के ऊपर बिल्कुल आप बाय कर सकते हो। अभिषेक, आपने ये पॉइंट खबर देखी है क्या, इस भाव पे कैसा लगता है वैल्यूएशन टीवीएस का? देखिए टीवीएस की बजाय मेरा ये व्यू है कि आज जो आइशर का फोर्टे है राइट नाउ जो 87% डेफिनेटली हुए है एक मार्केट शेयर, बट अगर हमने जब बजाज का, अगर आपको याद हो तो आपसे 4-5 हफ्ते पहले जब बजाज भी इसमें एग्रेसिव हुआ था राइट नाउ, तब लोगों ने ये बोला था कि बजाज विल ईट मार्केट शेयर, बट डेफिनेटली इट्स अ प्रोडक्ट जो इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे इन्होंने काफी ज्यादा किया है राइट नाउ। और भी अगर आप इसका देखेंगे तो आइशर हैज अ बिग फैन फॉलोइंग राइट नाउ। मेरा ये व्यू है कि हम ये सोचेंगे, हमारे इन्वेस्टर्स को ये बोलेंगे कि अगर आपको 3000 के आसपास या 3100 में आज के कोई फॉल में अगर आपको आइशर मोटर मिलता है तो डेफिनेटली आप आइशर मोटर पे लेने का चांस बना सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे राइट नाउ तो आइशर मोटर का मार्केट शेयर कहीं पे भी कम नहीं हुआ है और देयर इज अ गुड 3 मंथ टू 6 मंथ, इवन महिंद्रा ने जावा करके जो आया था तब भी लोगों ने डिमांड का बोला था कि उस टाइम पे कि टीवीएस का मार्केट शेयर विल बी ईटन बाय आइशर का मोटर मार्केट शेयर विल बी ईटन बाय द अदर प्लेयर्स, बट इसका ऐसा कुछ हुआ नहीं है राइट नाउ। इट्स अ देयर इज अ बिग फैन फॉलोइंग राइट नाउ एंड आई कंटिन्यू टू वी कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव ऑन आइशर मोटर। वी हैव अ प्राइस टारगेट ऑफ 3450 ऑन द स्टॉक, वी बिलीव कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव ऑन द स्टॉक।